अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। दोस्तों की हाल चाल ठीक ठाक, उम्मीद करने सारे दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब नू अपने हिफ्ज़ ईमान च रखे। और असी अज ना फैसलाबाद आए हैं, बड़े ही अच्छे साढ़े दोस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, बड़ी अच्छी हस्ती ने जी। अल्लाह ताला ने बड़े अच्छा शौक इन्हां दे कोल असी कीता, बड़े अच्छे परिंदे ने अल्लाह ने इन्हां नवाजिया, और बहुत घट ऐसे परिंदे देखने वास्ते मिलते हैं। यानी समझ लो कि दिल खुश हो गया कबूतर देख के, दे और दिल च आया कि असी दोस्तों ने भी शौक कराइए। तो असी सब तो पहले इन्हां नाल तुहानूं मिलाने हैं। मियां इम्तियाज साहब के कोल असी आए हैं फैसलाबाद जी। मियां साहब की बड़े प्यारे दोस्त साद इमरान वट्टू साहब जी, साद जी। हां जी इमरान भाई, की हाल चाल है? और सेहत भी ठीक जी? साडे बड़े प्यारे दोस्त ने जी, और बड़े जबरदस्त शकीन ने। माशाल्लाह ने नवी छत बनाई है बड़ी शानदार, वो इंशाल्लाह करीब वो इफ्तिताह होएगा, फिर इंशाल्लाह उत्थे भी आवांगे और दोस्तों को छत का भी विजिट करावांगे। बाकी ये दोस्त नाल आए ने साडे फैसलाबाद शो करने वास्ते, मियाँ वसीम साहब ने जी। मियाँ साहब देखना जरा, ये साढ़े बड़े प्यारे दोस्त राणा दनान साहब, ये आई साहब ने, ए नईम साहब ने जी, ये साढ़े बड़े प्यारे दोस्त उस्ताद इरफान माना जंजा ले। हाँ जी माना भैन जी, की हाल चाल है? सुनाओ फिर कबूतरों का मजा आया? हाँ जी, चलो बाकी हम दोस्तों ने शौक कराने जी, तुम मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और मैं बड़ी देर बाद ऐसे कबूतर देखे ने, यानी कि जेडे हूँ नज़र ही नहीं आते। आम तुम रूटीन दे, आम रूटीन वाइज बड़े कबूतर देखी दे ने, लेकिन ऐसे कबूतर जड़े ने ना घट देखने को मिलते हैं। सही आओ तुम जरा इधर आओ पिछे मुझे, नहीं इतने ठीक है। सब तो पहले माजी का पर दिखाने, शानदार चीली, शानदार पर, शानदार इन्हें दोमे, और बगल बगल भी बहुत लाजवाब है जी। और अख भी तुम दिखाने हैं थोड़ी जी, इन्हें क्लोज करके ना, ज्यों सिर कबूतर इन्हों अखा बहुत घट नज़र आते हैं। और मेरे वास्ते भी एक नवी चीज़ है, एक कबूतर देख के बड़ा मज़ा आया और बड़ी खुशी हुई है कि एडे कीमती कबूतर। तकरीबन मियाँ साहब ने कबूतर पिछले 40 साल तो संभाले ने, यानी मियाँ साहब दस रहे कि 79-80 के दौर दे मेरे को कबूतर ने। तो मैं मियाँ साहब दस रहा कि 80 की तो मेरी पैदाइश है, यानी कि मेरी एज के कबूतर ने इन्होंने संभाले ने माशाल्लाह, और बहुत मज़ा आया शौक करके। यह मादी है जी, यह पंजा भी तुम दिखाइए, पाँच नंबर मियाँ साहब की मादी है। अगे देखी सी तो बड़ा ही मज़ा आया कबूतरी देख के, मैं जो अगों थोड़ी देर तक असं लाइव चलावे तो फिर यह कबूतरी का शौक कराने ला दी। शायद दोस्त देखते हो अख बहुत जबरदस्त अख की मालक है, और यह कबूतर बड़े ही वफादार कबूतर ने, यानी कि इंसान के शौक कराने वाले, साथ देने वाले, यानी जिहो जहाँ मर्जी मौसम हो, जिड़ी मर्जी पी पाइए घर आने वाले कबूतर ने जी। है और बंदे अगर बंद थोड़ी जी मेहनत की जाए इन्होंने कबूतरों के उत्ते, तो यह कबूतर जेड़ के अपना अपनी मिसाल आप है ने जी, ये किसी चीज़ के मुथाज नहीं है, बेहतरीन कबूतर ने। मेल है जी नाले दे। पहले तो पर शो करिए कबूतर जी, और बड़ी जहीन तरीन और अकलमंद कबूतर ने, बहुत शानदार माशाल्लाह। कलर भी बड़ा ठीक है, बहुत घट नजर आता है। असि इन्हों ना इतों का, खैर मैं आइडिया नहीं है,
लाहौर च अक्सर जो असि पुराने दोस्त जड़े ना पुराने उस्ताद जिन्होंने देखे ने मेरे नस्लों की बहस नहीं पैंदा मैं कूतरा उन्होंने क्वालिटी से ज़्यादा जज करना कि अच्छे पर पुरजे का अच्छी बाडी का कूतर होना चाहिए तो यह जो कलर इन्हें मैं खुद वैसे बड़ा पसंद है ग्रीन शेड है थले और उपर है वाइट जो की टोपी है इन्हों अक्सर लोग डबल मोहरे वाले भी कहें इन्हों लाल मोती वाले भी कई लोग कहें इतने मियाँ साहब कहते कि जी पुरानी हिस्ट्री है जान साहब वाले कबूतर सन जिन्होंने फ्रांसे भी लोग कहते हैं उन्होंने मैं कबूतर है लेकिन यह बड़े वफादार और बड़े मजबूत कबूतर ने गर्मी के घर आने वाले कबूतर ने यानी कि जिनी मर्जी सूड़ी पी भी पाई इन्होंने बड़े वफा करते हैं कोशिश करते हैं कि असं अपने घर ही पहुंची जाए इधर आओ जी शेर इस जोड़े का पट्ठा जी जो जोड़ा अभी दिखाया ना अगों का पट्ठा ये दोनों ही देख सकते हो और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अखा के मालिक ने और बड़े जहीन कबूतर ने यानी जोंसले कबूतर एडे मजबूत कबूतर बहुत घट नज़र आते हैं बड़ा यानी दिल खुश होया कबूतर देख के और माशाल्लाह इन्हां दी मियां साहब की मेहनत है जी इन्ने 40 साल तो कबूतरां नूं इन्होंने संभाल के रख्या है और एक मुहब्बत लगाओ इन्हां परिंदियां दे नाल वरना 2-4-5-10 साल कबूतर खत्म हो जाते हैं लेकिन इन्होंने एक तवील अरसे तो इन्होंने कबूतरों अपने सीने नाल लाया है और अज भी इन्हां दे कोल बड़ी अच्छी हालत है कबूतर मौजूद ने अच्छा भी इस जोड़े की भैन ने कबूतरी देख के ना मैं कबूतरी याद आ गई सी लाहौर साढ़े बड़े सीनियर उस्ताद सन अल्लाह तआला ने जन्नत नसीब करे उस्ताद नायतुल्लाह खान साहब टमटम वाले उन्होंने को कबूतरी उड़ी टमटम वाली टमटम कबूतरी ना वो शक्ल शुकल तकरीबन इन्हें मिलती जुलती सी काफ़ी यदा कैंडा शेंडा यदि बंतर जी ना बड़ी वह शबल कर दी और शुक्र है जी तुम इन्हों की अख की ग्रिप बहुत शानदार ग्रिपा ने मालक ने बड़ी अलग ग्रिप इन्ह की अख की और इन्हों का पंजा भी तुम दिखाने सब तो बेहतरीन पंजा है वे समझ आ गया बाडिया इन्हों ऐसी आ रही ने कि वो हाथ से मैं फील कर रहा दोस्त यानी सिर्फ देख सकते हैं दूरों वरना हाथ से आके कबूतर मज़ा आ रहा इन बाडियां आ रही मज़ा आ गया शौक करने का यानी बड़ी बड़ी जगह से शौक करी दा लोगों को बड़े बड़े अच्छे परिंदे ने कोई शक नहीं लेकिन साढ़ा बड़ा यानी दिल खुश होया जी कबूतर देख के क्योंकि असी साडा जरा ज़्यादा लगाव जोंसले कबूतर के नाल जी यानी ख्वाहिश और रिक्वायरमेंट है ना वो मुताबिक सानू एक कबूतर शौक करने का मज़ा आया हाँ जी है इन्हों का बड़ा उड़िया कबूतर है खुद भी कबूतर उड़िया है बड़ा अच्छा इतने छाती ने इन्होंने कोल बहुत खूब उड़िया कबूतर है एक दिन सुन फैसलाबाद के बड़े पुराने उस्ताद सन बड़े नामवर उस्ताद सन दीपक शाह साहब मियाँ साहब दस देने कि उन्होंने यानी 80 तो पहले दे उन्होंने कोलों ना कबूतर उन्होंने ले ने यानी दीपक शाह साहब वाले कबूतर ने बड़ी अच्छी हालत जी माशाल्लाह कबूतर मौजूद ने और मज़ेदारी की सब तो चीज़ है कि इन्हों बॉडियाँ खराब नहीं होंगे
बड़े यानी कबूतर देखे ने बड़िया नस्लों के होर नस्लों के कबूतर देखे ने मुख्तलिफ रंगा के कबूतर देखे ने जेडे अपने पॉइंट्स खराब कर जाते हैं लेकिन एडे पुराने हो गए भी यानी 40 साल पुराने कबूतर ने या 45 साल पुराने कबूतर ने लेकिन बड़ी अच्छी हालत ने इन्हों बाडिया बुडिया बहुत शानदार ने पंजा भी देख लो इन्हों का बहुत शानदार। अच्छा यह जोंसले कबूतर का तो बड़ा मजा आया कि इन्होंने को लाल अख का जोड़ा भी देखा एक नर तो एक मादी पुराने जेडे मैं डब वाले कबूतर देखे थे ना अज तो कोई 90 के दौर से कह लो उस गल काफ़ी कर्सा गुजर गया साइड कई साल पहले उदो मैं जो पुराने डब वाले कबूतर देखे से ना उन्होंने कबूतर आया है उन्होंने कलर इस तरह के आओ जी शाह जी लो जी सब तो पहले तुम दुम देखो कोई गल नहीं पर देखो जी शानदार कुंदा दा नहीं नहीं कोई गल नहीं सब शौक दे चलदा सारा नहीं नहीं कोई गल नहीं और लेंथ देखो कैसी शानदार है बहुत शानदार लेंथ का कबूतर है लाजवाब कबूतर है क्योंकि कबूतर बड़ा पसंद आया मैं कह शौक भी दोस्तों करावे देखने वाला कबूतर है और एक मादी की रिक्वेस्ट की नईम साहब न मैं जी वो भी मादी लिया के दिखाओ ऐसा एक टिश्यू देना ए पंजे ने जी कबूतर दे नहीं कोई गल नहीं हेलो जी नहीं कोई नहीं।